सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाटा की नेक्सॉन फेयरलेस प्लस एस वेरिएंट यानी कि टॉप मॉडल टाटा नेक्सॉन 2024 टॉप मॉडल न्यू नेक्सॉन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप फ्रंट पर देख सकते हैं लिखा ही है शोरूम पर न्यू नेक्सॉन है। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, उसके बाद इसके ऑन रोड प्राइस कितना होगा, कम से कम डाउन पेमेंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये जो कलर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और क्यों ना करें भाई, व्हाइट कलर राजा कलर होता है हमेशा चमकता हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें LED वाले DRS फ्रंट पर मिल जाते हैं, वो भी कन्वर्टेबल इंडिकेटर है यानी कि ब्लिंकर्स भी यही बन जाता है। आपको भी दिखा देता हूँ चला के, फिर आप भी देखेंगे कि क्या बात है भाई, ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिलने वाला। ये पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, और इसमें JBL का म्यूजिक सिस्टम सब बूफर के साथ लगा, और जो म्यूजिक क्वालिटी है ना भाई साहब, मज़ा आ जाए कसम से, ज़बरदस्त यार, सुना में मज़ा आ गया। अभी आपको भी मैं आगे इसमें सुनाऊंगा भी, और उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसा रहेगा इसमें साउंड सिस्टम, ठीक है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको मिल जाएगा इसमें, और फॉग लैम्प भी आपको प्रोजेक्टर में मिलेगा, और विंड का देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्रॉस बनाया गया है, तो कुछ इस तरह से ब्लिंकर चलता हुआ। फ्रंट पर यहाँ पर आपको कैमरा मिलेगा टाटा की बैजिंग के साथ, और इसमें भाई चार कैमरा है, 360 व्यू मिल जाता है, सनरूफ भी आपको मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं सारा चीज़ कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है। ये एक ऐसी कार है जो कि टाटा की अधिकतर जो कारें हैं वो भाई, यह देखिए यहाँ पर भी कैमरा लगा है, 5-स्टार रेटिंग के साथ कार आती है भाई, ग्लोबल इनकम में 5-स्टार रेटिंग के साथ देख सकते हैं। ऊपर आपका रूफ ये ब्लैक रहेगा, सनरूफ का देख सकते हैं वो सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे आपको व्हाइट कलर मिलेगा यानी DT डुअल टोन फिनिश वाला रहेगा। तो सामने न्यू नेक्सॉन कुछ इस तरह से देखते हुए आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक कैमरा दिया गया है, और LED वाले ब्लिंकर के साथ आपको ORVM मिल जाता है, फुल ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है ये। उसके बाद अब यहाँ पर रूफ रेल भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, ये चीज़ अच्छा है। और इसके अंदर देख सकते हैं स्टील व्हील जो है, या फिर डायमंड कट में आप कुछ भी बोल सकते हैं, अलॉय इसके अंदर दिया गया, लेकिन टायर की जो क्वालिटीज़ है वो सबसे बेहतरीन यहाँ पर आपको मिल जाती है। 16 इंच के इसके अंदर आपको मिल जाएगा डायमंड कट में। अब ये अलॉय है या स्टील व्हील है ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, सेंटर पर टाटा की बैजिंग भी रहेगी, और प्लास्टिक वर्क, और उसके बाद डोर के जो हैंडल्स हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ बॉडी कलर पे, और नीचे देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक वर्क पूरी गाड़ी में मिलेगा। और इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है, 208 mm का। दो रूफ रेल यहाँ पर आपको जो है, रूफ रेल तो रियर में आएगा, लेकिन दो वाइपर वाशर जो है ना वो आपको मिल जा रहा है फ्रंट पे, ज़बरदस्त। आप पीछे का जो सीन है ये देखिए आप, LED वाले ब्लिंकर्स और LED वाले पूरे कनेक्टिंग DRLs भी इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ सबसे भाई ज़बरदस्त हमको इस गाड़ी का लगा। ये देखिए रियर पूरा जो है पूरा फुल चेंज किया है, देख रहे हो एकदम नंबर वन। यहाँ पर देखिए फिर कैमरा भाई, 4 कैमरा हो गया टाटा की नई वेजिंग के साथ, और उसके बाद 44 लीटर इसमें भाई पेट्रोल आएगा, 44 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, टाटा नेक्सॉन शार्क फिन एंटीना स्पॉयलर, और यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर में वाइपर वाशर देखो कहाँ छुपा के रखा है, कोई देख नहीं पावे, इतना बेहतरीन सिस्टम किया है भाई टाटा मोटर्स ने। नेक्सॉन की देखिए नई बेजिंग 3D वाली, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है पीछे से भी, आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं कितनी ऊंची गाड़ी है। उसके बाद अभी आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस 382 लीटर का रहेगा, यानी 382 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलेगा। बाकी ऑल चीज़ जो है एकदम एक नंबर का मिलेगा भाई इस गाड़ी में। अब आप बूट स्पेस देखो, ये देखें पार्सल ट्रे के साथ, वो भी आप पार्टी वगैरह करो बम्पर मज़ा आ जाए एकदम बेहतरीन। ही देखिए पार्सल ट्रे, 2 एडजस्टेबल हेड्स पीछे और 2 आगे, यानी 4 एडजस्टेबल हेड्स, और ये सीट आपकी पूरी फोल्ड भी हो जाएगी, तो आपको बूट स्पेस और भी अच्छा मिल जाएगा, ये भी बढ़िया सेटअप है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों पीछे आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा बूट स्पेस इस तरह से रहेगा, और अब पूरा लुक आप देख लीजिए जब आप इसका बूट खोले रहेंगे तो इस तरह से आपको ये मिलने वाली है। आप साइड प्रोफाइल्स यहाँ पर देख सकते हैं, और चलिए अब अंदर हम आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो में देखिए यहाँ पर भाई JBL का स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर सब बूफर के साथ, ठीक है एकदम नंबर एक। ट्विटर यहाँ पर देखिए, डोर के जो हैंडल से एक नंबर का रहेगा स्पीकर, JBL देखो लिखा आपके सामने है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम अगर आपको चाहिए तो टाटा की जो कार है वो टॉप मॉडल ले लेंगे, तो समझ लो एक चलता फिरता DJ आप खरीद लिए हैं, ये तो मेरी गारंटी है।
आप पीछे आर्मरेस्ट, बोतल होल्डर, कप होल्डर सब आपको मिलेगा। रियर में एसी वेंट आपको मिल जाएगा, सनरूफ यहाँ पर आपको मिल ही जा रहा है, ये देखिए रियर में एसी वेंट, और टाइप सी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और ये भाई चलता फिरता डीजल रहने वाला है, ये समझ लीजिए एक नंबर का। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो इसमें चलता फिरता आपको डीजे मिलेगा, एक नंबर का साउंड क्वालिटी, हर एक क्वालिटी आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा भाई इस गाड़ी में, हर एक चीज़ आपको एक नंबर का रहता है भाई। म्यूजिक सिस्टम तो हमने सुना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ्रंट पे आप देखिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी ट्विटर, स्पीकर, हैंडल, चारों पावर विंडो के लॉक, अनलॉक, कंट्रोल सारी यहीं पर आपको मिल जा रहे हैं। डोर के लीवर्स, इसमें ग्रे क्रोम फिनिश आपको मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एसी वेंट के ऊपर आप देखेंगे टेक्सचर डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलेगा सिल्वर फिनिश के साथ, ऊपर आपका गार्निश जैसा दिया रहेगा। क्लच ब्रेक एक्सेलेटर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसमें आपका सिर्फ ब्रेक और क्लच का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हैं सीट एक नंबर वेंटिलेटेड सीट रहने वाली है। और ये देखिए वाइपर वाशर एडजस्ट आप कर सकते हैं, पेडल शिफ्टर इसके अंदर, क्रूज कंट्रोल सारी चीज़ें, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, वॉइस असिस्ट का फीचर, यानी कि हर एक चीज़ आपको इस गाड़ी में बढ़िया से बढ़िया मिलने वाला है सब चीज़ इसके अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो है नया कंसोल कुछ इस तरह से, डोर ओपन रहेगा तो ये बताएगा डोर ओपन, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप सब आपका रहेगा, यानी कि बटन से गाड़ी स्टार्ट करो बंद करो सब आपको। 1.5 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों एक नंबर का यहाँ पर मिलेगा। और ये पूरा टच स्क्रीन का, जिससे कि पीछे का डिक्की खोलने का, कैमरा 360 देखिए चलाने का, ये देखिए अब गाड़ी कहाँ खड़ी है, लेफ्ट राइट आगे पीछे आने के चारों तरफ ये आपको दिखाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है, ईको, स्पोर्ट, रेन, यहाँ पर आपको तीन मोड भी मिल जाएगा, ईको, सिटी और स्पोर्ट, शायद ये आपको तीन ड्राइव दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं चाबी कुछ इस प्रकार की रहती है, पूरा देख सकते पीछे डिक्की, लाइट, लॉक, अनलॉक, ये चार फीचर्स इसके आपको की में मिल जाते हैं, एक नंबर का सब बढ़िया रहने वाला है। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में, ये देखिए इस, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट रहेगा। और यहाँ पर देखते हैं यूएसबी चार्जिंग, टाइप सी और 12 वोल्ट सॉकेट, तीनों ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। एसी बैंड कुछ इस प्रकार का रहेगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड लेवल से आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यानी कि जो एयरबैग है वो 6 आपके स्टैंडर्ड लेवल पे। इसमें आपका कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है ग्लोव बॉक्स के अंदर, ये सबसे तगड़ा है। और बाकी देख सकते हैं दूसरी को ड्राइवर साइड का डोर एक नंबर का रहेगा, यहाँ पर भी ट्विटर दिए गए हैं, यानी कि समझ लो 6 ट्विटर, 6 स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा इस गाड़ी में, ठीक है। 4 स्पीकर शायद हैं, लेकिन सब बूफर के साथ समझ लो कि ये 9 स्पीकर के सेटअप दिए गए हैं इस गाड़ी में। ये रहा इसका सनरूफ, कुछ इस प्रकार का सनरूफ भी रहेगा। ऑटो डिमिंग IRVM रहेगा डे एंड नाइट सेटअप के साथ, एक नंबर का सबसे बढ़िया ज़बरदस्त। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट ऑफ कर दिया। अब चलिए हम आपको दिखाएंगे इस गाड़ी का इंजन, ऑन रोड प्राइस, माइलेज, कम से कम डाउन पेमेंट कितना। सिर्फ 1 लाख में आप डाउन पेमेंट भर के ले सकते हैं इस गाड़ी को। सबसे पहले जैसे ही हमने इसका इंजन खोला तो इंजन जो है कुछ इस प्रकार का इसमें मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बो चार्जर रिवोट्रॉन इंजन मिलता है, 1199 cc 3 सिलेंडर। मैक्सिमम पावर इस गाड़ी के अंदर 118.27 bhp का, 5500 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क 170 nm का, 1750 से 4000 rpm पे। माइलेज आपको ये 17-18 का देगी, हाईवे पे आपको 20 भी दे सकती है, बाकी 17-18 मान के चलिए, सिटी पे 10-12। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर यानी 44 लीटर। टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर है। बूट स्पीड 382, ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm। एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 14,79,990 rupees यानी 14,79,990 एक्सरूम प्राइस है। और बेस वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 7,99,990 rupees यानी कि 8 लाख से स्टार्ट होता है बेस, और 14,80,000 से स्टार्ट होता है ये वाला टॉप मॉडल। ऑन रोड प्राइस अगर हम बात करें बेस वेरिएंट का तो 9,15,000 rupees बेस पड़ेगा, ये टॉप मॉडल 16,59,716 rupees पड़ेगा। वीडियो पसंद है।